आगे बढ़ते हुए अब जो खबर है वो बांग्लादेश से जुड़ी हुई है। आप जानिए कि बांग्लादेश में जो हालात बिगड़े उनको लेकर अपडेट लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं और साथ ही साथ भारत सरकार की भी पूरी नजर है। इनफैक्ट जब वहां पर मोहम्मद यूनुस ने अंतरिम सरकार में पीएम पद की शपथ ली तो इधर से पीएम मोदी ने कांग्रेस करने के साथ साथ ये भी कहा था कि हिंदुओं पर हमले रुकने चाहिए। और इन सबके बीच ये अपडेट आप जानिए, बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर मिल रही है बड़ी जानकारी। मोहम्मद यूनुस और पीएम मोदी की बातचीत हुई है, पीएम मोदी ने हिंदुओं की सुरक्षा का मुद्दा भी इस दौरान उठाया है। बांग्लादेश के मौजूदा हालात पर ये बात हुई है और साथ ही साथ पीएम ने ये भी कहा कि भारत शांतिपूर्ण बांग्लादेश का समर्थक है। उधर से मोहम्मद यूनुस, इधर से पीएम मोदी, दोनों के बीच में बातचीत हुई। बांग्लादेश की इस घटना को लेकर बाकी देशों की भी निगाह है, जो वहां पर हालात हैं, जिस तरीके से वहां पर हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, इन सब के साथ ही पीएम मोदी ने मोहम्मद यूनुस यानी कि बांग्लादेश में फिलहाल अंतरिम सरकार का गठन हुआ है और वहां पर पीएम के तौर पर मोहम्मद यूनुस ने जिम्मेदारी संभाली है। तो मोहम्मद यूनुस और पीएम मोदी के बीच में बातचीत हुई है और इस बातचीत में पीएम मोदी ने बांग्लादेश में हो रही घटनाओं का जिक्र किया, खास तौर से हिंदुओं की सुरक्षा का मुद्दा उठाया है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट करके जानकारी दी भी है। वो लिखते हैं, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस से फोन पर बात की, मौजूदा स्थिति पर विचारों का आदान प्रदान किया गया। लोकतांत्रिक, स्थिर, शांतिपूर्ण और प्रगतिशील बांग्लादेश के लिए भारत के समर्थन को दोहराया। उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं और